फाइट दौर में आपने और भी बड़े बड़े हिट सीरियल्स दिए पीटीवी के टाइम पे, तो तीसरा किनारा के बाद और कौन कौन सी सीरियल्स जो आपको बहुत अच्छी लगी? पीटीवी का एक सीरियल था नशेब, जो कि अयूब खावर ने डायरेक्ट किया था। अब्दुल्ला हुसैन बहुत बहुत अभी उनकी को 1.5 साल पहले डेथ हुई है। वो बहुत बड़े राइटर उर्दू अदब के, लिटरेचर के। उनका नावल था नशेब, उन्हीं का एक नावल है उदास नस्लें और नादार लोग। ये दो नावल उनके बहुत मेरे फेवरेट नावल्स हैं। उन्हीं का था नशेब, उसका एक कैरेक्टर था कौसर। वो कैरेक्टर क्या था, वो कैरेक्टर राइटर ने किस तरह से सोचा था, फिर उस पर हमने कैसे उसके ऊपर, मैं और अयूब खावर किस तरह से उसके ऊपर बैठ के बहस कर कर के, कि वो इतना, वो सीरियल मेरे, वो अगेन क्लोज टू माय हार्ट। उस ज़माने में भी उस सीरियल का जो पैगाम था वो इतना ज़्यादा पसंद आया था कि वो भी मेरा बहुत फेवरेट तो सीरियल है। पी टी वी का था जो आपको बहुत अच्छा लगा? वो एक औरत का अंदर का जो डिबेट होती है, उसके अंदर के जो फाइट होती है ना, उसके बारे में था। सो इट वॉज नॉट समथिंग ऑन द फेस, उसको पोर्ट्रे करना था। खाबर साहब ने पूछा अब्दुल्ला हुसैन से कि आप बताएं ये क्या चाहती है कौसर, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, अपनी बीवी से पूछो। तो ये वो कैरेक्टर था जिसको प्ले करना था। कैसे करें कि वो क्यों उठा के अपने मियाँ का बहुत कीमती तोहफा लाया हुआ अपने मियाँ के मुँह पे दे मारती, क्यों, क्या चाहती है, इस तरह की उसमें सिचुएशंस थी। फिर उसको बिलीवेबल करना था। लोगों ने बड़ा क्वेश्चन भी किया उसको, एक औरतों के फोरम ने हमें बुला लिया, इतना डांटा कि क्यों उसने उसका हार वापस किया। फूड फॉर थॉट था वो सीरियल मेरे लिए। फिर एक मामा सीमी था, इशफाक साहब का प्ले, वो 4 ही एपिसोड्स थे। एक्चुअली मामा सीमी वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन एक्टिंग। उन 4 एपिसोड्स में मुझे समझ आई थी कि एक्टिंग ये होती है कि एक्टिंग नहीं करनी। उससे पहले शायद मैं भी एक्टिंग ही कर रही थी। वो उसने मुझे चेंज कर दिया एज अ पर्सन, एज अ मैं, मुझे सेंसिटिव कर दिया उस सीरियल ने। तो उसमें ऐसा क्या था वो उसकी कहानी में, उसकी कहानी, उसकी उसकी कहानी ने, इशफाक साहब के लिखने ने, उनकी जिस तरह से वो कहानी बताई थी उस बात ने। आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो वो आपके ब्रेन के ऊपर उतना ही असर होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो वो उसने मुझे काफ़ी हिला के रख दिया था उस सीरियल ने, काफ़ी चेंज कर दिया। उसका पहला एपिसोड मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इशफाक साहब मुझे तो रात को ये पहला एपिसोड पढ़ के बुखार चढ़ गया है, और एक्चुअली मुझे बुखार चढ़ गया था। हालांकि उस पहले एपिसोड में कोई इतनी खौफनाक या कोई इतनी बात ट्रेजिक बात नहीं थी, लेकिन द वे ही रोट इट वाज बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो उन्होंने कहा चढ़ना भी चाहिए।